Hello guys, how are you doing today? Welcome back to my channel, No Diet, Just Bite. आज हम बनाने वाले हैं चिकन का पुलाव यूपी स्टाइल, इसे चिकन तहारी भी कहते हैं। ठीक है, ये बेसिकली एक वैसा पुलाव है जिसके अंदर सब्जियां भी जा सकती हैं, जो भी आपको अच्छी लगती हो, चिकन भी है और हल्का सा ये गीला रहता है और ये ठंडियों में बहुत शौक से खाया जाता है। आइए बनाते हैं इसे। सबसे पहले मैंने इसमें थोड़ा सा घी और तेल मिक्स अराउंड 3/4 कप, आप 1 कप भी ले सकते हैं। इसे थोड़ा सा चिकना रखना है, ऑयली रखना है। इसमें मैंने सिर्फ ज़ीरा, तेज पत्ता और दालचीनी और थोड़ा सा काली मिर्च डाल के इसको मैंने अनियन और हरी मिर्ची के साथ अभी फ्राई कर रही हूँ। वो मैं जो प्रेसिंग वाली मशीन आती है उसमें मैंने प्याज को और हरी मिर्ची को प्रेस कर दिया था। डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी मैं आपको। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, क्योंकि नॉनवेज है, चिकन है, इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा डाला है, एक एक भर भर के टेबलस्पून डाला है। अगर ये सिर्फ वेज की होती तो मैं इसमें थोड़ा कम डालती, इसका आधा पोर्शन डालती। ये सेम चीज़ आप वेज पुलाव की तरह भी बना सकते हैं। इसका मेन इंग्रेडिएंट जो है वो है सोया, वो मैं आगे बताती हूँ। तो फिलहाल मैंने इसमें रफली चॉप किया हुआ टमेटो डाल दिया है, दो टमेटोज या 3 मीडियम टमेटोज हैं। और इसी वक्त मैंने सॉल्ट डाल दिया है और तेज़ आंच पे ही है और इजीली आपका भून जाएगा और जो टमाटर है वो नमक की वजह से जल्दी गल जाएगा। इसी वक्त मैंने इसमें पाउडर मसाले भी डाल दिए, जो हमारे हल्दी, लाल मिर्च, धनिया, ज़ीरा पाउडर है। ओके, इसमें गरम मसाला मैं नहीं डालती हूँ क्योंकि इसका जो ओरिजिनल फ्लेवर है वो सोए की सब्जी से आएगा। चिकन हमारा अच्छा ब्राइन किया हुआ साफ सुथरा चिकन ये चला गया, तेज आंच पे इसे भी भूनना है। इसे अच्छे से भून लीजिए, क्योंकि इसके बाद हम पहले थोड़ा 80% तक इस चिकन को बनाएंगे। तो अभी आज फास्ट है तो आप स्लो कर देंगे और फिर मैं अराउंड 15-20 मिनट्स के लिए मैंने इसे पकने दिया था। अब उसके बाद देखिए मैंने खोल के देखा तो 80% तक हो चुका है। अब मैंने फिर तेज़ आंच कर दिया है और जो भी सब्ज़ी थी मेरे पास मिक्स वेजिटेबल का पैकेट रखा था वो डाल दिया और इसमें मैंने सोया और हरा धनिया इक्वल अमाउंट में काट के डाल दिया, यानी अराउंड 1.5 कप होगा टोटल मिला के। ठीक है, तो अब इसी वक्त मैंने नमक भी चेक कर लिया है और नमक आप ध्यान रखिए कोई भी हरी सब्जी के टाइम, क्योंकि नमक उसमें होता है। ठीक है, और नमक जब भी आप पुलाव बनाएं तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखिए, क्योंकि जब पानी जाता है तो वो ऑलरेडी पानी सब सोख लेता है। ठीक है, अब मैंने चावल डाल दिया था और बासमती एक टुकड़ा डाला है मैंने, क्योंकि ये थोड़े गीले बनने वाले हैं तो अखे रख के फायदे नहीं है। तो 2 ग्लास चावल में मैंने यहाँ पे 6 ग्लास पानी डाला है। ओके, और अब इसे मैं एक उबाल आने दूंगी और ये मेरी प्यारी हरी मिर्ची भी अंदर चली गई है। ठीक है, अब मैं इसे ढक दूंगी जब एक उबाल आ जाएगा और इसे स्लो आंच पे मैंने कम से कम 20 मिनट्स पकाया है। देख लीजिए, इतना पानी डालने के बाद भी ये उतना गीला नहीं हुआ है, लेकिन ये विंटर स्पेशल है, इसे आप गरम गरम खाइए और बिलीव मी आपको इसमें कोई रायते की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ऐसे ही इतना खा लोगे कि आपकी ना ओवर ईटिंग हो जाएगी। ये हमारे यहाँ सर्दियों में बहुत बनती है और हमारे घर की वन ऑफ द फेवरेट डिशेस भी है। ये हमारे यूपी, मेरे मम्मी यूपी की ही हैं, बनारस की, तो वहाँ पर मेरी नानी, ये लोगों से मैंने ये रेसिपी सीखी थी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा ये रेसिपी। अभी मैं डिश आउट कर रही हूँ एंड मेरे घर में खुशबू फैल चुकी है, सो एवरीबडी इज वेटिंग। सो लेट मी नो, आप ट्राई करके ज़रूर बताइए कि कैसी लगी आपको और ठंडी में स्पेशली बनाइएगा। ओके, सो इफ यू डू लाइक माई रेसिपी प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई होप यू एंजॉयड इट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।